मैं हूं उस्मान प्राचा और आप देख रहे हैं उम्मीद दिनों। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद के 28 साल बिलाल हैदर से, जो कि एक मस्कट करेक्टर बन के इस्लामाबाद के सेंटोरा स्मॉल में अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस काम की तरफ कैसे आए। क्या कहना चाहेंगे बिलाल, ये इस काम की तरफ कैसे आए हैं, कार्टून करेक्टर बन के आप घूम रहे होते हैं? सर, इसकी तरफ शुरू से रुझान नहीं था। मैं पहले एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता था, तो वहाँ एक दफ़ा इफ्तिताह था किसी चीज़ का, तो जिन्होंने ये करेक्टर पहनना था वो किसी वजह से आ नहीं सके, लेट हो गए, पता नहीं क्या वजह थी। तो मुझे जो है ना, उन्होंने कहा कि आप ये करेक्टर पहन लो, आपकी हाइट ऐसी है तो आपके ऊपर सूट करेगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, बल्कि मुझे बुरा लग रहा था कि गर्मी पहले इतनी सख्त है और ये मुझे ये पहना रहे हैं। बहरहाल, जब GM साहब ने बोला तो मैं उनको इनकार नहीं कर सका, मैंने पहना। तो जब मैंने पहना तो मुझे बहुत मज़ा आया, लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे तब उस वक्त जो है ना, मेरा ध्यान पड़ गया इस तरफ कि ये भी एक काम है जो किया जा सकता है और ये तो बहुत अच्छा काम है। लोग मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो तब मेरा ध्यान इस तरफ आया। तो उस वक्त फिर मैं खैर रेस्टोरेंट में ही करता रहा जॉब। फिर थोड़े टाइम बाद, तकरीबन 6 महीने बाद, फिर मैंने जो है ना प्रॉपर ये काम शुरू किया। मैंने अपने करेक्टर मंगवाए और फिर मैं इस काम में प्रॉपर तरीके से आ गया। दिन के आप कितने कमा लेते हैं, आप कितना टाइम यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, मतलब घूमते हैं, और दिन के कितने कमा लेते हैं? दिन के अर्निंग के हवाले से ये है कि 8 घंटे हमारी ड्यूटी होती है, और जैसे कि अब आजकल रमज़ान है तो आजकल काम बिल्कुल ठंडा है। आप देख सकते हैं पीछे कॉरिडोर बिल्कुल जो है ना नॉर्मल है, अगर नाम रूटीन में रश होता है तो रमज़ान में तो तकरीबन जो है ना 1000-1200 तक हो जाता है, लेकिन आम डेज़ में हम 2000 तक 2200 तक जाते हैं और जुम्मा हफ्तावार 3000 तक भी चले जाते हैं। तो हमारी अर्निंग फिक्स नहीं है कि हमें 2000 ही रोज़ाना का मिलना है, कभी हम 800, कभी 1000-1500, मैक्सिमम बहुत अच्छा काम हो, जुम्मा हफ्तावार हो तो हम 3000 तक चले जाते हैं। लोगों का रवैया कैसा होता है आपकी तरफ, बच्चे आपसे खेल रहे होते हैं, दूसरी तरफ लोगों का रवैया कैसा होता है? लोगों का रवैया बहुत अच्छा होता है, सब लोग जो है ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बस जो है ना प्यार करते हैं। बाकी ये बच्चे अगर आके कुछ शरारतें करते हैं तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, उनसे क्या गिला है, क्योंकि हम खुद भी बच्चे रहे हैं और मैं खुद भी बड़ा शैतान बच्चा रहा हूँ अपने बचपन में, तो बच्चों से तो गिला नहीं है। लेकिन स्पेशल ये जो लड़के आते हैं, जैसे मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो छड़े आते हैं, इनसे जो है ना बड़ा मसला होता है। ये आके ना बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता, हमारे ऊपर उनकी शर्त लगी हुई होती है कि इसको मार के भागना है, तो वो ये फोम है मतलब, मगर इधर ज़ोर से ऊपर से ऐसे मारता है आके या मुक्का मारता है तो वो मुझे आके हिट करता है। लेकिन इस मॉल की जो पॉलिसी है, हम उसके ऊपर हम अमल पैरा होते हुए, हमें ये चीज़ बहुत अरसा पहले बताई गई थी और इस पर हम अमल करते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। हम आगे से किसी को रिप्लाई नहीं करते, लेकिन ये कि गुस्सा आता है, जवाब हमारे पास भी बहुत होते हैं देने के लिए, लेकिन बस हम जो है ना नॉर्मल हो जाते हैं, बस सब क्या करें। लेकिन ये रिक्वेस्ट ये इस प्लेटफॉर्म से, जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, स्पेशली जो ये छड़े आते हैं बैठ के, मतलब गाड़ियों में बाइकों में, आएँ आप हमारे साथ हंसी मजाक करें, वीडियो बनाएं, हम आपके साथ टिकटॉक बनाएंगे, जितना टाइम हम फैमिलीज़ को देंगे उतना ही आपको भी देंगे, लेकिन आप लोग हिटिंग ना किया करें, क्योंकि ये फोम करेक्टर है, नाजुक है ये, ठीक है। आपकी हिटिंग की वजह से मैं तकरीबन 5 करेक्टर बदल चुका हूँ, आपको पता है पहले इतनी महंगाई है और मैं थोड़े थोड़े कैसे जमा कर करके मैं जो है ना करेक्टर लेता हूँ, तो फिर जो है ना आप इस चीज़ का ख्याल किया करें। बाकी फैमिलीज़ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी होती हैं फैमिलीज़ और बहुत जो है ना इंजॉय करते हैं हम इस काम में। गर्मी में अलबत्ता मुश्किल होती है, क्योंकि गर्मी में इसके अंदर जो है ना आप देख सकते हैं कि हवा कहीं से भी दाखिल नहीं हो रही, ये इनके चारों आप देख रहे हैं ना गोल है ये बिल्कुल, ये इसके अंदर हवा नहीं, बस इसके अंदर ये कि हम सांस ले सकते हैं, बाकी घुटन गर्मी बहुत सख्त होती है, तो बस इस तरह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आपने बिलाल हैदर की बातें सुनी कि वो ये मस्कट करेक्टर बनके और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।